बनाने वाले हैं बथुआ आलू की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। वैसे तो बथुआ के पराठे भी बनते हैं, आज हम बनाने वाले हैं बथुआ आलू की सब्जी नए आप वाले आलू के साथ में। तो इसमें बहुत फायदेमंद होता है बथुआ, और बहुत सारा इसमें पारा भी होता है। तो चलिए, हमने बथुए को अच्छे से साफ कर लिया है। इस तरीके की थोड़ी सी डंडी आती है बथुए में, तो इस तरीके से हमने पत्तियां तोड़ ली है और डंडी को हमने अलग कर लिया है बथुए से। तो इसमें क्या होता है, हरी सब्जियां जितनी भी होती है थोड़ा टाइम लगता है, तो ये हमें पहले से काम करके रखना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से बथुए की डंडी है जो हमने हटा ली है पहले से। और अब हम क्या करेंगे, बथुए को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया एक बड़े सारे बर्तन में, और बथुओं का हमें डायरेक्टली डालना है। जितना आप बड़ा बर्तन लोगे, जितना आप चौड़ा बर्तन लोगे ना, उतनी ही आपकी हरी सब्जी में से मिट्टी है जो निकलेगी। अगर आप छोटा बर्तन लेते हो ना, तो बिल्कुल साफ नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से सारा बथुआ हम डाल देते हैं। तो यह हमने बथुए का 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। और यहाँ हमने ले लिए नए वाले आलू, जो नए वाले आलू हैं जो आना शुरू हो गए। तो चलिए, यहाँ पे आलू ले लेते हैं हम। 2 आलू लेंगे सिर्फ, क्योंकि बथुआ, तो इसको पहले धो लेते हैं नए वाले आलू में, जो मिट्टी ज़्यादा होती है, तो पहले हम धो लेते हैं। तो हमने अच्छे से धो लिया है, अब हम आलू को छील लेंगे, और छील के फिर हम आलू की कटिंग करेंगे। तो आलू को हमने क्या करा है, छील लिया, छील के अब इनके हमें कटिंग करनी है। आलू को थोड़ा सा इस तरीके से काटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। ये देखिए, तो आलू को, सभी आलू को इसी तरीके से काट लेंगे। आलू को हमने कट कर लिया, अब यहाँ पे बारी आती है बथुआ को कट करने की। तो चलिए, आलू को हम रख देते साइड में, अब हम बथुआ को काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, अच्छे से चारों तरफ से। अब इसको हम बारीक बारीक कट करेंगे। देखिए इसी तरीके से सारा बथुआ है जो काट लेते हैं। यहाँ हमने बथुआ को काट लिया, इधर हमने आलू को भी काट लिया, इधर हमने प्याज ले लेती मीडियम साइज की जो हमने काट लिया, यहाँ हमने गोल गोल शेप में लहसुन को काट लिया, और यहाँ हमने ले लिया अपना मसालों का पिटारा, और यहाँ पे हमने लिया भुना हुआ जीरा, यहाँ लिया हमने चाट मसाला, यहाँ लिया कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ लिया देगी मिर्च, यहाँ लिया हमने हींग पाउडर, यहाँ लिया गरम मसाला, यहाँ लिया हमने काली मिर्ची पाउडर, यहाँ लिया हमने राई के दाने। तो गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ हमारा तेल है जो अच्छे से गर्म हो गया, आप डाल देंगे यहाँ पर जीरा, और डाल देंगे यहाँ पर राई, और इसी के साथ ही हम डाल देते हैं यहाँ पर हरी मिर्ची, और डाल देंगे यहाँ पर लहसुन। तो लहसुन को और हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे। तो लहसुन हमारा सिक चुका है, तो देख सकते हो हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब डालेंगे यहाँ पर हम हींग, अब डाल देंगे यहाँ पर हम प्याज लहसुन सिकने के बाद में, प्याज को हम अच्छे से सेक लेंगे कलर चेंज होने तक। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज है जो सिक चुकी है, अब डाल देते हैं यहाँ पर हम आलू, और आलू को प्याज लहसुन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स। और अब डाल देंगे यहाँ पर हम बथुआ। बथुआ हर किसी को खाना पसंद नहीं आता है, पराठे तो आपने खाए होंगे, तो एक बार मेरे तरीके से बथुआ आलू की सब्जी बना लेंगे ना, तो जो नहीं खाता होगा ना, वो भी खाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है।
तो अच्छे से मिला लेते हैं। हमने अच्छे से आलू और बथुआ को मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे यहाँ पर हम नमक, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और डाल देंगे हम बाकी के मसाले भी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और डालेंगे काली मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, बेगी मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, चाट मसाला, और यहाँ डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और बस ढक के रख देंगे। अभी हमें मिलाना नहीं है इसको। डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसको ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ हमारे 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा लेते हैं। ये देखिए, अब हम एक बार ढक्कन हटाने के बाद में अच्छे से चला लेंगे मसालों को साथ में। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ में, और देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी रंगत आई है बथुआ आलू की सब्जी में, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे जिससे टमाटर है, एक टमाटर हमने लिया है तो जल्दी से गल जाएगा, बीच में डाल देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर हमारा जल्दी फटाफट गलेगा, और इसको चारों तरफ से हम कवर कर देंगे। तो बस यहाँ पर हम टमाटर गलने तक ढक्कन लगाएंगे। यहाँ हम चेक कर लेते हैं ढक्कन को हटा के, और देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अच्छे से मिला लेते हैं टमाटर को भी। ये थोड़ी सी इसी तरीके की रहती है, पूरी लपटे में ऐसी रहती है, पूरी एकदम सूखी सूखी सी नहीं बनती है। तो बथुआ होता है ना, थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसी तरीके से रहेगी। तो लीजिए हमारे यहाँ पे आलू बथुआ की नए तरीके से आज की सब्जी है जो बनके तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।